हाय गाइस, आज की वीडियो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपने रेडमी के 9, 9A, 9i, पोको C3, ये जितने भी गार्डन डिवाइसेज है ना, इन सबके अंदर आप यहाँ पर किस तरीके से कस्टम रिकवरी इंस्टॉल कर सकते हो 2022 के अंदर। ऑफिशियल मेथड बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो माय नेम इज शौर्य महाजन, योर विज चैनल, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं किस तरीके से आप यहाँ पर कस्टम रिकवरी जो है वो अपने किसी भी गार्डन डिवाइस के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। मैं एक ही प्रोसेस, एक ही मेथड, एक ही फाइल वर्क करेगी और आप उसी फाइल के थ्रू, उसी प्रोसेस के थ्रू कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करोगे। रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताता हूँ। सिंपल सा, आपका जो डिवाइस है वो यहाँ पर बूट लोडर अनलॉक्ड होना चाहिए और साथ में यहाँ पर उसका डेवलपर ऑप्शन जो है वो अनेबल होना चाहिए। अगर बूट लोडर अनलॉक करना नहीं आता है तो आप YouTube पे चेकआउट कर सकते हैं, बूट लोडर अनलॉकिंग मेथड्स आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आपको एक आर्टिकल भी मिल जाएगा। जितनी भी यहाँ पर रिकवरी फाइल होंगी, जितनी भी चीज़ें होंगी, वो सब आपको यहाँ पर मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी। तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे रहा हूँ लिंक, टॉप पर जाकर आप यहाँ पर उसको ज्वाइन करो। वीडियो यहाँ पर आप ही डिमांड पर आए हैं तो वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 50+ likes, तो होप सो 50+ likes आप जल्दी से कंप्लीट करवा दो। तो ये है अपना रेडमी 9 कैटेल डिवाइस। आप जिस ट्रिक को, जैसे मैंने बताया 9A कि जितनी भी यहाँ पर सीरीज है ना गार्डन वाली, सबके नेम मैं लिस्ट में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो उन सबके साथ ये ट्रिक वर्क करेगी। अब देखो यहाँ पर, अब मैंने यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है, एक तरफ मेरा कैमरा ऑन है। अब यहाँ पर मैं अपनी डिवाइस को फास्ट फूड मोड में ले आया हूँ और अपनी USB केबल से अपनी डिवाइस को करता हूँ कनेक्ट। जैसे अपनी USB केबल से डिवाइस को करूँगा मैं यहाँ पर कनेक्ट, यहाँ पर मैं रख देता हूँ अपनी डिवाइस को इस तरीके से। जैसे यहाँ पर इतना मैं करता हूँ, अब आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए जितने भी गूगल ड्राइवर्स हैं उनको इंस्टॉल करना है, जितने भी ड्राइवर्स हैं उन सबको इंस्टॉल कर लेना है, ADB सेटअप सब कुछ कंप्लीट कर लेना है। नहीं आता है तो आप यहाँ पर हमारे टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप के अंदर आकर हमसे डिस्कस करें, हम एक डेडिकेटेड GIF वीडियो या फिर एक डेडिकेटेड शॉर्ट वीडियो वहाँ पर क्रिएट करके अपलोड कर देंगे, आपको वहाँ पर डायरेक्ट सहायता सपोर्ट मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर सिंपल सा करना कुछ नहीं है, सिंपल सा आपको यहाँ पर अपने फाइल मैनेजर में आना है। फाइल मैनेजर में आने के बाद आप जैसे देख ही सकते हो कि यहाँ पर अभी हमने इंस्टॉल करी है एक फाइल जो है ऑरेंज फॉक्स फॉर गार्डन बीटा डिवाइसेज 11.1 वर्जन, तो इसको आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना है, लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। ये इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपल सा इसको करना है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इस तरीके का एक फोल्डर आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको मिलेगी रिकवरी IMG फाइल। इतना होने के बाद आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा मिनिमाइज कर लेना है और यहाँ पर आपको सिंपल सा मिनिमल ADB पासपोर्ट जो करके एक आता है सॉफ्टवेयर छोटा सा, उसको यहाँ पर आपको ओपन करना है। ठीक है, आप चाहो तो CMD से भी कर सकते हो, बट आई सजेस्ट मिनिमल ADB से कर लो, वो ज़्यादा सही रहता है। अब यहाँ पर इतना होने के बाद आपको सिंपल सा यहाँ पर कमांड डालनी है फास्ट बूट डिवाइसेज। जी हाँ, फास्ट बूट डिवाइसेज आपको यहाँ पर कमांड डालनी है और एंटर पर क्लिक करना है। फास्ट बूट डिवाइसेज जिसे आप लिखेंगे, इस तरीके का एक कोड आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर सिंपल सा एक और कमांड डालनी है जो है फास्ट बूट फ्लैश रिकवरी, और रिकवरी लिखने के बाद आपको यहाँ पर एक स्पेस देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर फाइल मैनेजर ओपन करना है, और फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद में ये जो रिकवरी फाइल है इसको अब आपको यहाँ पर ड्रॉप करना होगा। तो ड्रॉप करने का मेथड मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, सिंपल सा आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है और इस तरीके से इसको उठा के यहाँ पर आपको CMD वाले सेक्शन के अंदर ड्रॉप करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जल लाइक मैं ये CMD सेक्शन जो है ये ओपन कर लेता हूँ इसी तरफ, और इसको यहाँ पर कर लेता हूँ मिनिमाइज ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इतना होने के बाद आपको यहाँ पर सिंपल सा इसको यहाँ पर ड्रॉप कर देना है, स्पेस देकर ड्रॉप करना, ध्यान रखिए। उसके बाद आपको यहाँ पर मैं सिंपल सा एक बिग व्यू करके दिखाता हूँ और आपको अब एंटर पर क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा हुआ आएगा सेंडिंग रिकवरी, राइटिंग रिकवरी एंड रिकवरी सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। तो रिकवरी जो है वो यहाँ पर सक्सेसफुली आपके डिवाइस के अंदर अब इंस्टॉल हो गई है। अब आपको सिंपल सा कमांड डालनी है फास्ट बूट री बूट, और जैसे आप ये कमांड अब एंटर करोगे ना, आप अपने डिवाइस को पहले से होल्ड करके वॉल्यूम अप पर रख लो। तो जैसे आप 1, 2, 3 अब जितना होगा, अब यहाँ पर वॉल्यूम अप मैंने होल्ड कर लिया है, इस तरीके से वॉल्यूम अप बटन मैंने यहाँ पर होल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर सिंपल सा अपना डिवाइस जो होगा वो डायरेक्टली बूट करेगा ऑरेंज फॉक्स कस्टम रिकवरी के अंदर। तो वेट कर लेते हैं और बूट होने देते हैं ऑरेंज फॉक्स की कस्टम रिकवरी पर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिए यहाँ पर अपनी Redmi 9 कैटेल डिवाइस के अंदर ऑरेंज फॉक्स कस्टम रिकवरी। इसी तरीके से आप अपने Redmi 9i, Poco C3, 9A इन सभी डिवाइसेस के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो यही सेम रिकवरी विद यही सेम फाइल। और इस फाइल का लिंक, जैसे मैंने आपको बताया, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो कोई टेंशन मत लो, जितने भी फाइल्स हैं, जितना भी सपोर्ट है वो आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से।
तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।